सो so, दोस्तों आज के एपिसोड को रिव्यू करते हैं आपने देखा होगा प्रीवियस एपिसोड जिसमें एमसी स्टैंड और शालीन के बीच फ़ाइट हुई एमसी स्टैंड ने शालीन के साथ ज़बरदस्त फ़ाइट की और इस फाइट में शिव ने भी एंट्री ले ली थी ये फ़ाइट ऐसी हुई कि इसका रिव्यू देना ज़रूरी था बट आज एपिसोड ऐसा गया कि जिसको देख कर के मैं खुद शौक़ हूँ मुझे ये एपिसोड बायस लगा जिसमें सलमान खान ने एम सी स्टैंड और शिप को तो कुछ बोला ही नहीं अगर आप देखेंगे आज का एपिसोड तो आज का एपिसोड सारा का सारा शालीन और सुबुल के इर्द गिर्द घूमता रहा एक घंटा तो इसी चीज़ में वेस्ट हो गया हमने सोचा था कि कुछ काम की बात निकलेगी जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी की क्लास लगेगी किसी की क्लास नहीं लगी लगी किसी क्लास सिर्फ शालीन की या सुबुल की और द और एट द एंड अगर देखा जाए तो प्रियंका की क्लास लगी और आने वाले एपिसोड में लगेगी आज का अगर आप एपिसोड देखेंगे तो एपिसोड स्टार्ट हुआ शालिन से तो सलमान खान शालिन से पूछते हैं कि अगर वो घर से वॉल्ट्री एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसके बाद सलमान शालिन और सुबुल को पॉइंट आउट करते हैं कि इनकी दोस्ती में एक्चुअल में चल क्या रहा है अब भाई चल क्या रही है तो हम भी नहीं पता देखने में लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर बट क्या चल रहा है ये नहीं पता तो ये सब हुआ इसके बाद जो क्लास लगनी थी वो लग चुकी थी दोनों की और अच्छे से क्लास लगी एक घंटा पूरा लगाया गया सिर्फ इसी चीज़ में इसके अलावा कोई मुद्दा उठा ही नहीं अर्चना के कपड़े फेंके गए थे इसका मुद्दा नहीं उठा शिव ने जिस तरीके से शालीन का फेस पकड़ा उसे धक्का देने की कोशिश की ये पॉइंट भी नहीं उठाया सलमान खान ने पॉइंट क्या उठा कि प्रियंका ने बीच में आकर की एंट्री ली और दूसरों के मुद्दों में टांग आई फिर से तो प्रियंका को यहाँ पॉइंट आउट किया गया प्रियंका की भी क्लास ली गई हालांकि क्लास लेने से पहले उनको साइड में बैठा दिया गया कि प्रियंका और अंकित आप दोनों उठें और जाके कोने में बैठ जाएं भाई क्यों अपना ओपिनियन नहीं दे सकते वो पार्टिसिपेंट तो वो भी कर रहे हैं ना कंटेस्टेंट तो वो भी हैं जीतना तो उनको भी अगर वो मुद्दों में आएंगे ही नहीं अपना पॉइंट रखेंगे ही नहीं तो दिखेंगे कैसे उनका भी दिखना ज़रूरी है बट ऐसा होने नहीं दिया जाता ना यहाँ वो उठते हैं जो खास हैं जिन्हें आगे ले जाना है जिन्हें विन कराना है तो निमृत जो दिखती नहीं है वो फिर भी दिख रही हैं एम सी स्टैंड जिसने इतनी गलती की जिसने गालियाँ दी जिसने स्टार्ट किया सारा मुद्दा उसको कुछ पूछा ही नहीं किया सिवाय इसके कि गाली दोगे तो कैसा दिखेगा ऐसा लग रहा था जैसा पूरा का पूरा एपिसोड सिर्फ बायस चल रहा है एक टीम के फेवर में चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि उस टीम को ही आगे ले जाना है और उन्हीं में से किसी एक को विन कराना है यानी कि मैच फिक्स है प्रियंका की क्लास भी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि प्रियंका एक्चुअल में राइट टाइम पर राइट जगह होती है वो अपने सही पॉइंट रखती है और अगर प्रियंका की क्लास लगेगी तो उसके फैंस जो हैं वो ऑबियस उसका फेवर लेंगे और अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे प्रियंका की जय जयकार हो रही है प्रियंका का नाम जो है वो एकदम हाईलाइटेड है कि हाँ प्रियंका एकदम सही है और देखा जाए तो बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट हैं उसमें मेरे ओपिनियन में भी प्रियंका जो है वो विनिंग रेस में सबसे आगे है और हो सकता है एट द एंड प्रियंका ही विन हो दोस्तों आपको कैसा लगता है आपको क्या लगता है आपका क्या ओपिनियन है